हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सलमा, आपकी कुकिंग फ्रेंड। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी, इजी और मसालेदार चिकन मसाला फ्राई। ये इतना झटपट और आसानी से बनकर तैयार हो जाता है ना कि आप इसे बैचलर्स चिकन फ्राई भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए के रेसिपी देख लेते हैं। कोई मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है, फटाफट हम चिकन को कुकर में ले लेंगे। मैंने यहाँ 600 ग्राम चिकन मीडियम साइज़ के पीसेस रखे हैं। इसी में हम ले लेंगे एक टमाटर और एक प्याज मोटा मोटा कटा हुआ, करीब आधा आधा कप। 3 टेबलस्पून दही स्वाद अनुसार, नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक 60 और लहसुन 40%। इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप पानी। सभी मसालों को चिकन पीसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मैंने होल चिकन ले लिया है बोन के साथ। आप चाहो तो इसे सिर्फ लेग पीसेस या फिर ब्रेस्ट पीसेस या फिर बोनलेस भी ले सकते हैं, और पीसेस का साइज भी अपने हिसाब से चाहो तो छोटा भी रख सकते हैं। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब इसका लिड बंद करके एक बहुत ही मेहनत का काम करना है। अभी इस कुकर को हम गैस पर चढ़ा देंगे और 3 विजिल आने तक चिकन को गला लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। कुकर का प्रेशर रिलीज होने के बाद लिड निकाल कर चेक कर लेंगे, एकदम परफेक्ट गल चुका है। अब एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून के करीब तेल लेकर इसे गरम कर लें और गले हुए चिकन पीसेस को निकाल कर कढ़ाई में ट्रांसफर कर दें। हमें सिर्फ पीसेस को ही अलग से निकाल कर तलना है। चिकन गलने के बाद कुकर में थोड़ा सा ग्रेवी भी रहता है, इसे हम कुकर में ही रखेंगे, ग्रेवी को हम लास्ट में यूज करेंगे। कढ़ाई में डालने के बाद चिकन पीसेस को चम्मच से बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, क्योंकि चिकन ऑलरेडी कुक्ड है, ज़्यादा हिलाएंगे तो चिकन के पीसेस खुल जाएंगे। 2 या 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चिकन को एक तरफ अच्छे से लाल होने दें, फिर हल्के हाथ से सारे चिकन पीसेस को दूसरी तरफ पिलट लें। आप कढ़ाई थोड़ी बड़ी ले लीजिएगा, पीसेस को पिलटने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों, पीसेस अच्छे से लाल हो चुके हैं। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी इसे लाल तल लेंगे। आपको रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ दोस्तों, रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। इस स्टेज पर थोड़े से करी पत्ती और 3-4 हरी मिर्च को इस तरह से स्लिट करके चिकन में शामिल कर देंगे। पहले डालेंगे तो करी पत्ती और हरी मिर्च जल जाएंगी। करी पत्ती और हरी मिर्च के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिलीव मी दोस्तों, करी पत्ती का फ्लेवर चिकन के साथ बहुत अच्छा आएगा। चलिए, चिकन हमारा दोनों साइड से अच्छे से तल चुका है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, सिर्फ 5-6 मिनट लगे हैं। अब हम जो कुकर में ग्रेवी बच चुका था ना, उसे हम अभी इस स्टेज पर चिकन में शामिल कर देंगे। दोस्तों, अब इसमें जाएगा कसूरी मेथी। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को इस तरह हथेली में लेकर इसे मसल लेंगे और जो वेस्ट बच जाएगा उसे हटा देंगे। जो हमने ग्रेवी डाला था ना, उसे गाढ़ा होने तक 2 मिनट हाई फ्लेम पर पका लेंगे। ये ग्रेवी पीसेस पर अच्छे से कोट हो जाएगी। अब फ्लेम बंद करने से पहले 1/4 टीस्पून ताजी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर छिड़क देंगे। आधा नींबू और धनिया हो तो थोड़ी सी धनिया भी डाल दीजिएगा। लो जी, बन गया हमारा मजे का चिकन मसाला फ्राई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।